तो भाइयों अभी हम एक करने वाले हैं तूफानी चीज, एक डब्बा। तीन महीने से ये चीज मेरे पास आ रखी है और मैंने सिर्फ इस दिन के लिए बचा के रखी थी कि चिचम ब्रिज पे हम करेंगे अनबॉक्सिंग हमारे प्ले बटन की। मतलब बहुत टाइम से, मतलब मेरे घर वाले मम्मी को था कि भाई खोल के देखना है, मैंने खोलने देखने नहीं दिया। सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने सिल्वर प्ले बटन कैसे तैसे मेहनत करके ली है, तो मेहनत करो हर चीज हासिल हो जाएगी। अभी देखते हैं इसके अंदर है क्या, मैंने भी नहीं देखा भाई। ये सौरभ भाई अपने दिल पे पत्थर रखते हुए अपनी बाइक दे रहे हैं। बाय बाय। अभी हम चल पड़े हैं बर्फ के हट कर और यही करने तो हम यहाँ पे आए थे। तो अभी हम है काजा के अंदर और ये भैया का होमस्टे है। भैया आपके होमस्टे का नाम क्या है? तंजिन हाउस होमस्टे। तंजिन हाउस होमस्टे। और यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल देख सकते हो कैसा हो सकता है। देखो एक ही कमरे के अंदर आप, मतलब यहाँ पे गर्मी भी मिल रही है और साथ साथ मतलब आपकी, मतलब मेरे ख्याल से फैमिली इधर ही सो रही होगी ठंड में तो। जी जी। और मतलब आप जैसे कि आपने रात को बताया था आप भी बाइकर हो, तो आपने बताया था कि आपने ले में तीन महीने शायद है ना, 3 महीने से सर भी ले में थे और सेम माइंड सेट होता है कि सर को पता था कि हम इतना सारा लगेज लेके आए हैं उतारना करना पड़ेगा, तो सर ने हमें यहाँ पे रुकने दिया तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं सर? ये तंदूर है सर। अच्छा तंदूर। अच्छा इस पे खाना भी इस पे बनता है? खाना भी इसी में, पानी गर्म भी हो जाता है इस पे। अच्छा और इसको वार्म होता ही है साथ में। अच्छा और इसमें मतलब नीचे कोयला वगैरह जला रखे है कैसे? लकड़ी लगाते हैं। अच्छा लकड़ी लगाते हो। अच्छा यहाँ पे सिलेंडर वगैरह तो सब फेल होंगे मेरे ख्याल। सिलेंडर है तो जैसे ये हमारा सिलेंडर, बट बहुत एक्सपेंसिव है ना और खत्म जल्दी हो जाता है सर्दियों में तो। हाँ जल्दी खत्म होता होगा। इससे बेटर तो है नहीं कुछ, ये ज्यादा हीट भी देगा। और ये क्या, मेरे ख्याल से ऊपर फ्लोर पे भी इसकी हीट पहुंचती होगी। ऊपर वाली रूम में ना इसकी चिमनी है ना। अच्छा थोड़ा थोड़ा हीट वहाँ पर भी थोड़ा, मतलब कि ये उतरेगा। अच्छा अभी तो पूरा गर्म होगा शायद। ये तो बहुत गर्म, इसको हाथ मत लगा। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसे, मतलब पूरा प्रॉपर होम से में। हम तो चलो कभी कभी आते हैं, लेकिन आपको तो पूरा अपनी पूरी जर्नी ही यहीं पे निकालनी है। दाल चावल आटा वो स्टॉक हो जाएगा। सबसे ज्यादा मेन दिक्कत तो आपको पानी की होती होगी कि सब जम जाता है पानी, कि आपको मतलब पानी तो ऐसा है कि पीने के लिए भी चाहिए, नहाने के लिए भी चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए पानी चाहिए। तो उसमें आप कैसे करते हो? वो पानी तो स्टोर करके भी नहीं रख सकते। टैंक में तो हम स्टोर करके रख देते ना, वो भी जम जाता है कभी कभी। तो सबसे बेस्ट ये है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी लाते रहो कैन पे जाके ना। अच्छा जैसे यहाँ बाहर पंप है, अभी तो एक पंप काम नहीं कर रहा है, अभी हम कुछ थोड़ा ऊपर की तरफ से लाते हैं। तो कोई गाड़ी में लाता है, कोई अगर बर्फ पड़ गया तो स्केट जैसा बना देता है उसमें बहुत सारे के। अच्छा खींच के लाते हैं। मतलब पानी इतना एसेंशियल चीज है, उसके लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। एक तो उसको लाना है, ला के स्टॉक करना वो भी मुश्किल है ना, अगर ज्यादा स्टॉक कर दिए वो जम जाएगा। हाँ। और वो जम गया फिर उसको पिघालो कैसे? जब भी जाता हूँ मैं प्रेफर करता हूँ होम स्टेज रेदर देन होटल, क्योंकि होम स्टेज में अपनी फैमिली वाली वाइब्स आती है, खाना आपको घर जैसा मिलता है और यहाँ से आप दो बातें सीख के जाओगे। हाँ बिल्कुल। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका मेन चीज लाइफस्टाइल। होटल में तो मेन क्या होता है, बाहर से लोग आते हैं। हाँ, काम से इंटरेक्ट करोगे ना, अब यहाँ फैमिली के साथ इंटरेक्ट करोगे। लोकल के बारे में थोड़ा पता चलता है, यहाँ के लोकल है हमें आपके बारे में पता चला, यहाँ के एरिया के बारे में पता चला। ये सब हमें होटल में नहीं पता चल पाया। होटल में गए घूमने चले गए आ गए बस, लेकिन यहाँ पे जो हम सीखते हैं ना, मतलब ये विन विन सिचुएशन होती है। कुछ बात आप हमसे सीखोगे, कुछ चीजें हम आपसे सीखेंगे, और मतलब आपसे तो हम ज्यादा ही सीखेंगे क्योंकि आप तो लोकल जिस एरिया में आए उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जरूरतें इतनी नहीं है ना यहाँ पे। जरूरतें बहुत ज्यादा होगी तो फिर सबको काम करना पड़ेगा ना। ये चीज है कि मतलब जितना है पैसा उतने से लोग काम है। ये चीज बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे लोगों अब शहर जितनी है उतने में खुश है। हमारे शहरों में क्या होता है ना, और चाहिए और चाहिए। इन केस है ना, जैसे हमारे आस पड़ोस में कुछ भी हो जाता है, चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे कोई कुछ कुछ भी हो गया, तो सारे मतलब की पड़ोसी जाके ना इकट्ठा होके तो हम लोग संभाल अपनी फैमिली की तरह, अपनी फैमिली की तरह एक एक मेंबर, दो दो मेंबर जाएंगे, रोज जाएंगे वहाँ काम करेंगे। और जैसे सर्विसेज तो यहाँ पर प्रॉपर है नहीं, जैसे तो कैटरिंग सर्विस होगी, शादी है मान लो मेरे घर में, ना यहाँ कैटरिंग होगी, ना यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं वो मिलेंगे पंडाल लगाने वाले। अच्छा तो आप वो सारे गांव वाले आएंगे, वो खुद लगाएंगे, खाना भी वो बनाएंगे, सर्विस भी वो देंगे, वही दिन पूरा वो सामान भी इधर उधर बिछा के देंगे,
फिर नेक्स्ट डे एक लास्ट पार्टी देना पड़ेगी मुझे मेरी तरफ से उनको ना, जैसे बुलाते हो अच्छे से आप बुलाते हो करने वाले। हाँ जी। तो शादी के बाद एक बार फिर से एक और पार्टी देनी होती है, वो जो जो आपके मतलब जो जो आपके पास काम करने वाले जो मतलब गांव के स्पेशल उनके लिए होगा। अच्छा, उसमें हर 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 कहीं से लोग भी होंगे। अच्छा, वो होंगे जिन्होंने हेल्प करी। यूनिटी है, यूनिटी है कि आज आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो कल आपको भी हेल्प कर सकती है। यहाँ पर हालात ही ऐसे है, देखो सिचुएशन ऐसा है, क्योंकि नीचे तो ऐसा है कि आप चलो पैसे लेके भी कुछ भी करा सकते हो, यहाँ पर है ही नहीं सिस्टम, तो आप किसको दोगे पैसे? यहाँ हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, उनको भी। क्या सारा पूरा इस टाइम पूरा पैक है, पूरा ज्यादा पैक है, क्योंकि अभी 31st का जो क्राउड है ना, पूरा हिट मार रहा है ना, तो ये महीना अगले महीने 1-2-3 तारीख तो आप अपना नंबर भी बता दो अगर कोई आना चाहे। 8-2-7-8-8 हाँ जी 20-5-4-8 ओके, ये मेरा जियो का नंबर है जिस पे कॉल लगेगा। और मैं आपको एक और नंबर शेयर करता हूँ, ये व्हाट्सएप का है 8-9-8-8-2-9-2-4-6 ओके। और नाम क्या है इस होमस्टे का? तंजिन होमस्टे। तंजिन होमस्टे। और अभी आपको बाहर से भी होमस्टे दिखा दूं, ये ओल्ड बस स्टैंड काजा नियर स्नो लाइन होटल, ये मेरी बेटी है, इसे डेडलॉक बने गई। अच्छा, अपने आप बन गए डेडलॉक। सोच होती है ना। हाँ, लोकल आलू के परांठे। अरे बेहतरीन बेहतरीन। सो गुड मॉर्निंग काजा। सो आज ये है हमारा ड्रीम राइड का कला वाला एपिसोड, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, जाके देख लेना। और आज मौसम बहुत ही ठंडा है, मतलब अभी हमने -10 वाली जैकेट पहन लिया है। आपने देखा होगा इतने टाइम से हम वही सेम कपड़ों में घूम रहे थे भाई, सुबह से शाम तक, मतलब 3-4 दिन तो हमने सेम कपड़ों में ही निकाल दिए। और अभी सुबह अभी आपको जैसे कल रात को मैंने दिखाया था, वो जो होम स्टे है वो है टेंजी होम स्टे, क्योंकि उनके पास क्या है बुकिंग थी आज की, तो उस वजह से कल उन्होंने बोला कि आपको कल रह सकते हो, कल आपको कहीं और रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग है। तो उन्होंने हमें दूसरा एक होम स्टे दिखा दिया जैसे उसके सामने ही है, ये है हमारा होम स्टे। जैसे अभी मैंने वेदर फोरकास्ट चेक करा तो उसमें आ रहा है कि आज बर्फ पड़ने की 100% गारंटी है। वो देखो, देख रहे हो ऊपर के पहाड़ सारे बर्फ बर्फ के। और अभी हमारा प्लान है कि हम ना पहले लास्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि आते आते रात हो जाएगी, हमें पता है। पहले हम जाएंगे चीचम, फिर की मोनेस्ट्री, हिक्किम, लांजा, कॉमिक, ये सब होते हुए फिर डायरेक्ट हम आएंगे अपने इस होम स्टे पे। देखते हैं कितनी देर में कवर करते हैं, यहाँ पे 5-6 बजे करीब अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और अगर बर्फ़ गिरती है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इसके ऊपर, इसलिए हम राइडिंग जैकेट पहन के जाएंगे। लेकिन फ़ोटो वोटो क्लिक कराने के लिए हम ये वाली जैकेट पहन सकते हैं। आप देख सकते हो अभी मौसम बहुत ठंडा है, चिल्ड है। आपको नया होम स्टे दिखाता हूँ, बहुत ही आइसोलेट और रो सा बना रखा है। ये है हमारा रूम, और इस रूम के अंदर चप्पल ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम चप्पल, ओहो हमारे जूते भी ख़राब हो गए, कोई नहीं। और अभी हम बस सामान पैक वगैरह कर रहे हैं, लेयरिंग चल रही है, लेयरिंग एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक एक्स्ट्रा डालनी है। अभी हमने सामान वगैरह रेडी कर लिया, अभी बस पैकअप करते हैं, फिर थोड़ी देर मिलते हैं आपको बाइक पे। और ये था हमारा रात का होम स्टे, टेंजी होम स्टे, इसलिए मैं वही प्रमोट करता हूँ आपको जो मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ आप आ सकते हो, फ़ोन नंबर भी है, आपको बताया भी है वीडियो में। और दूसरा स्टे जो है वो वहाँ पे है, उनका नाम वगैरह अभी मुझे नहीं पता क्योंकि बस हमने सामान रखा है और बस हमने बाइक कॉल स्टार्ट कर दिया। यहाँ से अभी हम जाएंगे सीधा चिचम की ओर, हम निकल पड़े भाई साहब चिचम की ओर। और पहाड़ देखो, ये देखो रात को नहीं दिखा पाया था ना, ये है रेतीले पहाड़, ये व्यू चेक करो भाई, एक नंबर है ना भाई, एक नंबर भाई। स्पीति स्पीति है यार, मज़ेदार जगह है, लेकिन बस वो थोड़ा सा सीन ऐसा हो गया, बट लेकिन कोई नहीं यार, हम आगे की ट्रिप ख़राब नहीं करेंगे। हम तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि मेरे पास ड्रोन था ही नहीं, कि अगर आप मान लो ना आपके पास ये चीज़ है ही नहीं तो फिर आपको दुख थोड़ा कम होता है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास ड्रोन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बस मैं अपनी आगे की ट्रिप इन्जॉय करना चाह रहा हूँ जैसे हम पहले कर रहे थे काजा ज़ीरो, क्योंकि ये है काजा, काजा में हम आ चुके हैं। अभी हम बाहर की ओर जाएंगे और यहाँ पूरा ब्लैक आइस बनी हुई है, ये आपको पानी लग रहा है लेकिन ये ब्लैक आइस है भाई, स्लिप मारती है इसके अंदर बाइक। सो भाई यो, अभी मैं पहुंच चुका हूँ आई लव स्पीति। तो ये है स्पीति जो कि काजा के अंदर है, और लास्ट टाइम अपनी ब्लैक पैंथर लेके आया था, इस बार मैं लेके आया हूँ अपनी मिस्टर ग्रीन। और मिस्टर ग्रीन देख सकते हो, और पीछे आई लव स्पीति लिखा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, और पीछे पहाड़ पूरे बर्फ वाले लग रहे हैं, और देख के मजा आ जा रहा है, बोले तो एक नंबर। अब MT-15 के लिए भी कुछ नाम वाम रख ले यार, अब हमारे साथ राइडर बन चुका है तू भी, क्या रखेगा बता। ये सारे स्तूपाज हैं ऊपर, और पीछे देखो बर्फीले पहाड़,
बर्फ बर्फ ऊपर आगे बर्फ मिलने वाली है हमें। से जाते हैं दो रास्ते, एक जा रहा है की ओर, एक जा रहा है चिचम की ओर। अभी धीरे धीरे ना स्नोफ्लेक्स चालू हो गई। अभी यह है कि ऊपर जाएंगे तो स्नोफॉल होने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि यहीं पे स्नोफ्लेक्स दिख गई हमें। आगे देखते हैं क्या होता है। हम पहुंच गए हैं चिचम ब्रिज। चिचम ब्रिज और ये फिर से हम आ गए। बढ़िया बढ़िया, भैया भी मिल गए वो जो हमें उधर मिले थे। अब आएगा ना मजा। और भैया कैसे हो? बस भैया सही टाइम पे मिले। और सर मजे कर रहे? हेलो ब्रदर, स्नोफॉल स्टार्ट करवा दी। वो ये काजम है जो एक बार मिलता है वो दो तीन बार मिल ही जाता है। ये सौरभ भाई अपने दिल पे पत्थर रखते हुए अपनी बाइक दे रहे हैं। ले लो, पैर पोंछ रहे हैं ना? कुछ बात नहीं लगी तो बस लगेगी नहीं, बाइक की लग जाएगी। दिल मुंह के अंदर आ गया। सो भाइयों फाइनली हम दोबारा आ चुके हैं चिचम ब्रिज, लेकिन इस बार स्नो फ्लेक्स के साथ। और इस बार हमारी ब्लैक पैंथर नहीं आई, इस बार आई है हमारी मिस्टर ग्रीन। अब ये है भाई नया प्यार मिस्टर ग्रीन। ये भैया हमें जो मिले थे वो हम दोबारा मिल गए, सांगला में मिले थे हमें। और कैसे हो भैया? वैसे होप यह है कि और ज्यादा होने वाली है। हाँ। रोड कह रहे कि चिचम तक भी बंद कर देंगे। ये सब अपनी अपनी बाइकें दे रहे हैं। हमने छुपा के खड़ी कर रखी है। तो भाइयों अभी हम एक करने वाले हैं तूफानी चीज, एक डब्बा। तो चिचम ब्रिज के बीचों बीच चलते हैं, देन करते हैं कुछ अनबॉक्सिंग। भाई लोग साथ में कबीर का है, जल्दी आओ भाई। 3 महीने से ये चीज मेरे पास आ रखी है और मैंने सिर्फ इस दिन के लिए बचा के रखी थी कि चिचम ब्रिज पे हम करेंगे अनबॉक्सिंग हमारे प्ले बटन की। मतलब बहुत टाइम से, मतलब मेरे घर वाले मम्मी को था कि भाई खोल के देखना है, मैंने खोलने देखने नहीं दिया। सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने सिल्वर प्ले बटन ऐसे तैसे मेहनत करके ली है। तो मेहनत करो हर चीज हासिल हो जाएगी। अभी देखते हैं इसके अंदर है क्या, मैंने भी नहीं देखा भाई। तो ये आया है YouTube की तरफ से सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट और ये है बटन हमारा प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन। दिखा तो भाई का है सिल्वर प्लेट बटन, उसने ओपनिंग कर करिया। तो ये है एशिया का सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है चिचम ब्रिज। ये है सिल्वर प्लेट बटन। सो भाइयों इधर स्टार्ट हो चुका स्नोफॉल, धीरे धीरे कपड़े हमारे बर्फ के हो गए हैं, हमारी जैकेट पूरी राइडिंग जैकेट बर्फ की हो गई है। और मतलब जो मेरा था ना मोटिव, मतलब मेरा मूड ऑफ था, लेकिन इस प्ले बटन ने ना मेरा मतलब सब दिल खुश कर दिया। और यहाँ पे जो हम चाह रहे थे ना वो हमने कर लिया है फाइनली। और ड्रोन तो यार गया तो गया, कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हमने शॉट लिया भाई बहुत ज़बरदस्त। कोई नहीं, ड्रोन नहीं है, आपको ऊपर से सिनेमैटिक नहीं दिखा पाए तो क्या हुआ, नीचे ज़मीन पर है कि आपको सिनेमैटिक दिखाएंगे। सो ये है एशिया का सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज चिचम ब्रिज। और ना मेरी मम्मी को था कि यार इतनी दूर, मतलब तू यूट्यूब पर कर रहा है इतने टाइम से लेकिन कुछ हो नहीं रहा, बट जब मैं मानूंगी कि तू कुछ कर रहा है, जब तेरा सिल्वर बटन आएगा, जब मैं इस दीवार पर सिल्वर बटन लगा हुआ देखूंगी।
तो मम्मी दिस इज फॉर यू, फाइनली मैंने कर दिखाया और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दी। अब ये हमारी दीवार पे चिपकने वाला है बढ़िया तरीके से। और इधर ना बर्फबारी ज़्यादा हो रही है, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर नेगेटिव होता जा रहा है। अभी ऊपर शायद हमें सर्किट ना करने दे, तो हमारा यही है कि वापस रिटर्न होंगे हम शिमला से ही, और अभी दो तीन स्पॉट और देख लें। और कैसी लगी बर्फ? अरे स्नोफॉल, स्नोफॉल कैसे लगी? हमारे आते आते वेलकम हो रहा है चीचम ब्रिज पे स्नोफॉल के साथ। बट अभी जमीन थोड़ी फिसलने वाली हो चुकी है, अभी बाइक थोड़ा देख के चलानी पड़ेगी। रोक जो हम लेके आए थे वो तो घर ही छोड़ दी। तो ये आ गई है हमारी भैया चाय मैगी, और बर्फ के बीच में ये देखो। तो भाइयों अब हो गया ना ये असली विंटर स्पीति एक्सपेडिशन, और स्नो हो गई है। अभी हम नीचे कैसे जाएंगे मुझे आइडिया नहीं है। बाइक है हमारे पास, स्लिप ना हो। हम जो रोप लेके आए थे वो भी हमने घर पे छोड़ दिया, हमें लगा यार स्नोफॉल नहीं होगी, बट हमारी किस्मत ख़राब है। अब हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि स्नो ज़्यादा हो गई। मीन देख सकते हो पूरी वाइट हो चुकी है। ये तो 4x4 है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये ट्रेन लग रहे हैं। अगर आप 4x4 लाते हो या फिर स्नो चेन लाते हो तो दिक्कत नहीं है। तो भाइयों वो देखो किसी का ड्रोन उड़ रहा है, और देख के मुझे दुख हो रहा है लेकिन भाई के लिए खुशी हो रही है। चलो किसी को तो ड्रोन शॉट मिल रहा है, और कोई नहीं यार हम दोबारा आएंगे यहाँ पे इस जगह पे और मस्त वाला ड्रोन शॉट निकालेंगे। ड्रोन शॉट लेंगे, दोबारा आएंगे इस सीजन में, बर्फीले में ही आएंगे भाई, पूरी खुंदक निकालेंगे और इससे बड़ा ड्रोन लेके आएंगे। जो खो गया कोई नहीं। और यहाँ से मैंने लास्ट टाइम देखा था एक बंदा उड़ा रहा था, बस उसी वही ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, वही ख्वाहिश को पूरी करने के लिए हम लाए थे, पर क्या कर सकते हैं। ये हमारी बाइक की हालत देखो, ये देखो, ये हेलमेट देखो पूरा ढक चुका है भाई, और ये इसका हेलमेट, ये देखो ये इसकी बाइक पे सारा सामान लोड कर रखा है पूरी। घबराने का नहीं, इसी के लिए आए थे भाई। ये पता है मिट्टी, ये स्नो, ये सब बाइक जो आपकी गंदी होती है, ये ट्रॉफीज है आपके लिए भाई। बताता है कि आपने कितना स्ट्रगल करके कहाँ पे पहुंचे हो, कहाँ से कहाँ तक आए हो, वो भी बाइक से। मतलब जो लोग घबरा रहे थे ना कि भाई बाइक से कैसे जाओगे, बाइकर हमें नहीं मिला भाई एक भी यहाँ तक, हम ही उपाय सारे ट्रैवलर्स वाले और गाड़ी वाले, यहाँ पे सारा गाड़ी का ट्रैफिक है। लेकिन जब हम गर्मियों में आए थे तो इतना ट्रैफिक था सारे बाइकर्स का, लेकिन इस बार सिर्फ हम तीन जिगरा नहीं है, हम भी नहीं जिगरा। ये है विंटर स्पीति एक्सपेडिशन, बोले तो एक नंबर। एक्सपेडिशन से अभी हम निकलते हैं, आप सुनिए इसकी आवाज मैंने। बस अपने को थोड़ा कंट्रोल करके चलाना पड़ेगा, स्लिप होने के चांसेस बहुत है इस बार। शुक्र हम पहन के आए थे राइडिंग गियर। बाय बाय बाय, ओके बाय। ओए होए ब्रेक मत मारना, लेफ्ट में चलो, लेफ्ट में चलो।